सर, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और ईरान हमें लग रहा है कि टर्म्स बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत से इंडियन पैनलिस्ट भी ये बात करते हैं कि ईरान अगर सेंक्शन हट जाए तो पाकिस्तान की जरूरत इतनी नहीं रहेगी। दूसरी चीज यह है, ईरान के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, इंडिया के कल्चरल ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं। और हमारे जो ताल्लुकात हैं, सिविलाइजेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया की जो सबसे प्रॉस्परस माइनॉरिटी है, जो कि खुद को अपनी माइनॉरिटी नहीं कहती, जबकि दे आर लेस देन 1% अदर पारसीज, वेदर इट इज यू नो रतन टाटा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और वेदर इट इज सो मेनी पीपल, ये पारसीज ज़ोरास्ट्रियंस हैं ये, और ये ईरान से ही आए थे। वहां से ये लोग भाग के फिर गुजरात सेटल हो गए। अभी रिसेंटली रशिया के बाद यूएई और ईरान इंडिया के साथ इंडियन करेंसी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। अब देखिए, आप मतलब एक बात, अभी रिसेंटली आपने ईरान ने जो है ना इंडिया को ऑफर किया था कि अभी हमसे गैस ले लें। एक दफा आपको याद हो, भुट्टो साहब ने बाय लैंड हज शुरू किया था, तो ईरानियों ने पाकिस्तानी हाजियों से कहा था कि बस से बाहर निकल के आप फारिग नहीं हो सकते, ये हमारी जमीन पाक है, आप बस के अंदर ही बैठ के जो करना कर ले। जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया की झल्लाई पड़ी है जब से ईरान ने भी रशिया के बाद भारतीय रुपयों में व्यवहार करने के लिए और जो व्यवसाय है भारत से वो करने के लिए हामी भर दी है। साथ ही साथ ईरान एक मुस्लिम देश होने के बावजूद कैसे भारत से अपने रिश्ते मजबूत करने की ओर अग्रसर है और कैसे वो भारत को मध्य एशिया का एक्सेस दे रहा है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में जो बातें चल रही है मीडिया में उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो का मज़ा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या उनके पैनलिस्ट के कमेंट्स हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और ईरान हमें लग रहा है कि टर्म्स बेहतर होते जा रहे हैं। जो चीज पाकिस्तान से सहूलत थी कि चाहे हम कहें कि अफगानिस्तान जाना हो या कोई और बातें, वो ईरान से भी हो सकती हैं। बहुत से इंडियन पैनलिस्ट भी ये बात करते हैं कि ईरान अगर सेंक्शन हट जाए तो पाकिस्तान की जरूरत इतनी नहीं रहेगी। ये कहां तक आप समझते हैं ठीक है? देखिए, ईरान के पर सेंक्शन लगने के कई सालों तक भी इंडिया वॉज ट्रेडिंग विद ईरान, इंडिया के काफी ताल्लुक थे, कई इंडियंस ईरान में काम भी कर रहे थे। सेंक्शन की वजह से कई लोग वापस आना पड़ा, लेकिन इंडिया बहुत अरसे तक कोशिश करते रहा कि ईरान के साथ किसी न किसी तरह से ताल्लुकात रखे, लेकिन अमेरिका ने वो पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी सील कर दी। लेकिन अभी भी बातचीत चल रही है, अभी भी चाबहार का जो पोर्ट है उसमें इंडिया इज वर्किंग देयर, इंडिया इज इन्वेस्टिंग देयर, और इंडिया के लिए दैट पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब पाकिस्तान से लैंड रूट्स नहीं मिलने की वजह से इंडिया कैन यूज़ चाबहार एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, और इंडिया के ताल्लुकात सेंट्रल एशिया से काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। जो SCO की मीटिंग अगले साल, इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट एंड होस्टिंग SCO, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे स्टांस आर पार्ट ऑफ SCO, सो इंडिया के वो काफ़ी करीब आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, ईरान के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, इंडिया के कल्चरल ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं। तो इंडिया ईरान के मैं देखा था ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को 10% की अपनी ऑयल नीड्स ईरान से आ रही थी। तो दूसरी जो एक और एंगल मैं समझना चाह रहा हूँ, आप काइंडली इसमें हमें जरा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बताएं। चीमा साहब, मैं अगर इसको आसान लफ्जों में समझाऊं आपकी ऑडियंस के लिए, तो इंडिया इज डूइंग इट्स बेस्ट टू मेनस्ट्रीम ईरान। जो ईरान 1979 के बाद आइसोलेट हो गया था, कि देखिए इंडिया की बातचीत अमेरिका से भी है, इसराइल से भी है, सऊदी अरब से भी है, तो इंडिया इस रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है ईरान को मेनस्ट्रीम करवाने के लिए। और हमारे जो ताल्लुकात हैं, सिविलाइजेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया की जो सबसे प्रॉस्परस माइनॉरिटी है, जो कि खुद को अपनी माइनॉरिटी नहीं कहती, जबकि दे आर लेस देन 1% अदर पारसीज, वेदर इट इज यू नो रतन टाटा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और वेदर इट इज सो मेनी पीपल, एंड दे आर अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इनसाइड इंडिया। ये पारसीज ज़ोरास्ट्रियंस हैं ये, और ये ईरान से ही आए थे, वहां से ये लोग भाग के फिर गुजरात सेटल हो गए। अगर हम देखें तो हमारे ईरान और सऊदी अरेबिया जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, वो बड़क से पाकिस्तान को प्रेफरेंस देने के, उनको सस्ता ऑयल देने के, जबकि इंडिया की तरफ रुझान करिए, क्या रीजंस लगती हैं? तो इंडिया जैसे अफगानिस्तान में अपने कदम जमा चुका है, ईरान में भी ऐसे कर रहा है, ठीक है, और मुसलमानों को तबाह करने का सबसे बड़ा यही एक सोर्स है कि आप उनके जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं आप वहाँ पे इन्वेट कर जाएं, वो इन्वेट कर चुका है। लगती है जो कि नरेंद्र मोदी, हम कहते हैं हमारे यहाँ पे सुना जाता है, हम देखते भी हैं कि वो मुसलमानों को राइट्स नहीं दे रहे, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं, किस तरह के हर कोई उनको इज्जत दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं दे रहा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ट्रू साइड पे ले जाएं, तो पाकिस्तान अभी जो है ना वो ब्रेव नहीं रहा, सीधी सी बात है। इंडिया जो है वो एक्सट्रीमिस्ट भी है कंट्री, ठीक है, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, बट वो किसी को नहीं, आँख में कान जो है नाक में मक्खी नहीं बैठने देता, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जी हजूरी में लगा हुआ है। ईरान जो है वो पाकिस्तान से जाते हुए कहता है कि यहाँ, एक दफा आपको याद हो, भुट्टो साहब ने बाय लैंड हज शुरू किया था, तो ईरानियों ने पाकिस्तानी हाजियों से कहा था कि बस से बाहर निकल के आप फारिग नहीं हो सकते, ये हमारी जमीन पाक है, आप बस के अंदर ही बैठ के जो करना कर ले। सो आफ्टर दैट ईयर द हज बाय रोड डिसअपियर्ड। पर्शियंस का आप देखिए,
अभी पिछले दिनों बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम ईरान को देखें तो ईरान में हिजाब को लेकर एक हंगामा रहता है और वहां पे बहुत इस किस्म की सख्तियां की जा रही हैं और हम देख रहे हैं किस किस्म का हंगामा है। मैं चंद साल पहले जब किंग अब्दुल्ला हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा था मुझे कि प्रोफेसर हमारे मुल्क में जो पब्लिक है वो हमारे उलमाओं से ज़्यादा कंजर्वेटिव है और हमारे उलमा रॉयल फैमिली से ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो अब जो MBS के रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो पब्लिक को काफ़ी डरा के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वो कई स्कॉलर्स जिसके खिलाफ थे उनको बंद कर दिए हैं। ईरान का मसला बिल्कुल उल्टा है, ईरान की पब्लिक इज़ मोर मॉडर्न एंड लिबरल, द रूलिंग एलिट इज़ कंजर्वेटिव। तो ईरान में ये टेंशन जो दिख रहा है कि द कंजर्वेटिव एलिट आर नॉट अलाउिंग लिबरलाइजेशन, पब्लिक चाहती है हम आज़ाद हो जाएं, दे वांट टू एंजॉय मॉडर्निटी, मॉडर्न कल्चर, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वेयर एज द रिजीम हैज़ आइडियोलॉजिकल गोल्स, वो अपना इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक ग्लोबल ऑर्डर उसके चक्कर में है। एट द कोर इट इज़ लाइक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ द तालिबान।